कनाडा में आम चुनाव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद वो अभी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे हैं। कनाडा में आम चुनाव में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मंगलवार को आए चुनाव नतीजों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से अभी भी पीछे हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें मिली हैं और वो बहुमत से अभी 13 सीटें पीछे हैं। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। इसके अलावा ब्लॉक क्यूबेकॉइस को 32, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24, ग्रीन पार्टी को 3 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की इस बार सीटें कम हुई हैं, लेकिन पार्टी के नेता जगमीत सिंह किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकार बनाने के लिए कम से कम 170 सीटों की जरूरत होती है। माना जा रहा है कि जगमीत सिंह की पार्टी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।